गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने शुरू किया 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रतिरोधक और प्रतिरोधकता क्या होती है। आज इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं जो प्रतिरोध के ऊपर बेस्ड है। तो हमने पढ़ा कि प्रतिरोध जो होता है वो होता है आर बराबर होता है रो एल बटे ए, ये प्रतिरोध का सूत्र होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। एक प्रतिरोध का दूसरा सूत्र भी है R बराबर है V बटे I, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये A है, ये है एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जैसे ये वायर है तो ये वायर का ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मतलब जैसे इसको काट देंगे ऐसे तिरछा, जैसे इसको अगर मैं काटूंगा तो इसको अनुप्रस्थ काट बोला जाता है ऐसे, तो इसका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा इसको बोला जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखो मान लो ये तो एक वृत्त बन गया, ऐसे वृत्त है तो वृत्त का ये होगा डायमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। और अगर हम इसको डायमीटर ले तो आर क्या होता है त्रिज्या, डायमीटर का आधा होता है, तो पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर वो डायमीटर दे दे तो, या फिर त्रिज्या देगा। तो यहाँ एक ही जगह हम ये लिख सकते हैं आर बराबर है रो एल बटे पाई आर स्क्वायर, आर मतलब क्या है त्रिज्या। अगर त्रिज्या नहीं दी है तो हम लेंगे क्या, डायमीटर भी दे सकता है, तो आर की जगह डी बाई टू लेना पड़ेगा। तो ये आर स्क्वायर से हमें क्या पता चलता है कि अगर डायमीटर, आर स्क्वायर का मतलब अगर डायमीटर दो गुना हो जाए तो रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध चार गुना कम हो जाएगा। देखो क्योंकि स्क्वायर में है, अगर किसी तार की त्रिज्या डबल कर दे, वो प्रश्न में पूछ ले कि किसी तार की त्रिज्या को हमने या मोटाई को डबल कर दिया तो समझ लो उसका डायमीटर दो गुना हो गया, दो गुना होने से और वो आएगा स्क्वायर में तो प्रतिरोध चार गुना कम हो जाएगा, ये बात याद रखना, ये इसमें आएगी। तो देखो पहला क्वेश्चन है इसमें, एक तांबे के तार का व्यास, जो चीजें दी गई होती हैं सबसे पहले वो ही लिख लो, वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है, मतलब जो दी गई है, जैसे इसमें दिया गया है कि डायमीटर दिया, जो डी डी दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, डी कितना 0.5 मिलीमीटर, अभी डायमीटर दिया है तो हमें क्या चाहिएगा त्रिज्या, क्योंकि क्षेत्रफल तो त्रिज्या से आएगा, तो त्रिज्या मतलब आर बराबर है 0.5 बाई टू, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है, और ये मिलीमीटर में है, मिलीमीटर में इसको मीटर में बदलेंगे, एक मीटर में 1000 मिलीमीटर है तो 0.5 बटे 2 बटे 1000 करना पड़ेगा, ये आएगा तो क्या हो जाएगा ये 0.5, या सीधा इसको लिख लो, ये आएगा 2 × 4 × 10 × 10 की माइनस 3 मीटर, ये आ गई इसकी क्या आ गई त्रिज्या, आ गई त्रिज्या निकाल ली है क्योंकि हमें चाहिएगी। तथा प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता मतलब क्या दे रखा है, रो दे रखी है कितनी 1.6 गुना 10 की शक्ति माइनस 8 ओम मीटर, क्योंकि ओम मीटर क्या है मात्रा का प्रतिरोधकता का, तो अब हमारे पास क्या होगी त्रिज्या भी आ गई है रो भी आ गया, अब निकालना क्या है प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध का सूत्र होता है इसमें ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, तो ये चीजें हमारे पास है, इसने क्या कहा इस तार का प्रतिरोध 10 ओम करने के लिए इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब प्रतिरोध कितना होना चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए 10 ओम, ठीक है। तो 10 ओम प्रतिरोध करने के लिए इस तार की लंबाई कितनी होगी, मतलब हमने ज्ञात करना है क्या एल, ठीक है एल ज्ञात करेंगे, सूत्र हमारे पास क्या है रो सॉरी आर रो एल बटे ए, आर का मान दे दिया कितना 10, रो दे रखी है कितनी, रो का मान दे रखा है 1.6 × 10 − 8 इंटू एल, एल निकालना ही है बटे ए, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर कितना 0.25 गुना 10 की शक्ति माइनस 3 और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब एल निकालने के लिए एल को इस साइड रख दो, बाकी सब को इस साइड ले आओ, तो 10
इंटू 22/7, ये ऊपर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, मतलब 0.25 × 0.25, तो 25 25 625, और ये होगा 0.625, सॉरी जीरो भी आएगा, ये आ गया, और ये हो जाएगा 10^-6, ठीक है भाई, ये आ गया, और ये चला जाएगा बटे में, मतलब 1.6 × 10⁸ बराबर है L, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, वो भी किस में, मीटर में आ जाएगा भाई, ठीक है, ठीक है, ये कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, कैलकुलेशन कर लेना, तो क्या आ जाएगा इसमें, L आ जाएगा मीटर में। उसके बाद ये कहता है कि प्रतिरोध पर व्यास को दोगुना करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब अगर हम इसके डायमीटर को दोगुना कर दें, अभी मैंने बताया था कि अगर डायमीटर दोगुना हो जाएगा तो जो प्रतिरोध है वो 4 गुना कम हो जाएगा, मतलब इसका जो प्रतिरोध है वो 4 गुना कम हो जाएगा, इसका प्रतिरोध नहीं दे रखा उसने, लेकिन जितना भी प्रतिरोध इसका होगा वो 4 गुना कम हो जाएगा, ये इसने प्रश्न पूछा है कि इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो डायमीटर दोगुना करने से प्रतिरोध 4 गुना कम हो जाएगा, बात याद रखना। अब नेक्स्ट है इसमें, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न छूट गया, देखो तांबे के एक तार की लंबाई 2 मीटर है, लंबाई दे रखी है कितनी, 2 मीटर, 2 मीटर, L दे दिया 2 मीटर, और उसका क्षेत्रफल एरिया दे दिया कितना, 1.7 × 10⁶ मीटर स्क्वायर, प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए, प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, तो हमारे पास ये R बराबर है रो L बटे A, ये सूत्र है, ये आधा प्रश्न है लगभग भाई, शायद ये आधा प्रश्न हो गया, क्योंकि इसमें प्रतिरोध भी होना चाहिए, सॉरी भाई, ये इसमें ना इस क्वेश्चन में प्रतिरोध भी आएगा, इसका प्रतिरोध कितना है 2 × 10⁻², ये प्रतिरोध भी दे रखा है, तो प्रतिरोध कितना इसमें, R बराबर है, R बराबर होता है 2 × 10⁻², ओम, अब निकालना है रो, प्रतिरोधकता, तो रो को एक साइड रखो, मतलब इस सूत्र में देखो रो निकालने के लिए R गुना A बटे L हो जाएगा, R का मान दे रखा है 2 × 10⁻², गुना एरिया दे रखा है 1.7 × 10⁶ बटे L दे रखा है 2 मीटर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा भी, ये हो जाएगा, ये 2 से 2 गया, 1.7 गुना ये हो जाएगा 10⁸, ठीक है, ये आ जाएगी ओम मीटर, या इसकी प्रतिरोधकता, ठीक है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन का माया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, एक 6 ओम प्रतिरोध के तार को उसी के ऊपर लपेट कर दोगुना किया जाता है, नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, देखो कोई तार है ऐसे, ये तार है, ये तार को लपेट, मान लो इसकी लंबाई है L, ठीक है, और एरिया है इसका A, मान लेते हैं एरिया कितना है A है, अब इसी तार को लपेट कर इसके ऊपर ही लपेट दिया, मतलब यहां से इसको मोड़ दिया, मोड़ने से क्या हो जाएगा, मान लो इसका नया प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना है R, वो कितना है रो L बटे A, देखो तार तो वही है, मतलब रो नहीं बदलेगी, रो तो क्या है किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है, अब तार वही है तो रो भी वही रहेगी, लंबाई जो उसकी L थी और एरिया A था, तो इसका इस समय प्रतिरोध कितना है R बराबर है रो L बटे A, अब जब इसको मोड़ देंगे हम इसी के ऊपर, तो नया प्रतिरोध, मान लो नया प्रतिरोध क्या है R डैश, नया प्रतिरोध क्या बनेगा, रो तो सेम है, L क्या हो जाएगी, L मोड़ने से, जैसे इसको इसके ऊपर मोड़ दिया, तो ये मोड़ने के बाद ये समझ लो इतना होएगा, ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा ना इसी के ऊपर, तो L क्या हो जाएगी, L बटे 2 हो जाएगा, आधी हो जाएगी, और एरिया वो क्रॉस सेक्शन ये 2 गुना हो जाएगा, मतलब एरिया हो जाएगा 2 गुना, क्योंकि जब इसके ऊपर मोटाई मोड़ेंगे तो जो एरिया है वो भी तार मोटा हो जाएगा, तो रो ये रहेगा और L
एल की जगह हम लिखेंगे एल बटे दो, क्योंकि आधी हो गई है और एरिया हो गया अभी दो गुना, तो ए की जगह लिखेंगे दो ए। तो अब ये हो जाएगा रो एल बटे दो दूनी चार बटे ए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक बटे चार रो एल बटे ए, ठीक है आर डैश। अब देखो रो एल बटे ए इसका मान कितना है, ये तो आर के बराबर है, तो आर डैश बराबर है एक बटे चार, तो इसके पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं आर। मतलब क्या है इससे कि आर डैश मतलब नया प्रतिरोध क्या हुआ एक बटे चार आर का, जो पहले प्रतिरोध था उसका एक बटे चार हो जाएगा, जितना भी प्रतिरोध था उसका कितना था उसका 6 ओम, तो 6/4 हो जाएगा, ठीक है ना 1/4 उसने बोला है, तो उसका प्रतिरोध पहले कितना था 6, तो उसका चौथा हिस्सा, तो चौथा हिस्सा कितना हो गया इसको करो 2 × 4 = 2 × 6 = 3/2, मतलब 1.5, ठीक है भाई ये आ गया नया प्रतिरोध। बात समझ में आगे होगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तार जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, ओम प्रतिरोध दे रखा है आर बराबर है 20 ओम दे रखा है, ये लिख लिया हमने, खींच कर इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया भाई। एक तार था ऐसे मान लो, ये तार था इस लंबाई मान लो एल थी और इसका एरिया क्या था ए था, तो स्टार्टिंग में मतलब जब इसकी लंबाई नहीं बढ़ी थी उस टाइम इसका प्रतिरोध मान लो आर बराबर है रो एल बटे ए। अब तार तो वही है, रो तो बदलने से नहीं, एल एल है ए ए है मान लिया, तो इसका प्रतिरोध ये है स्टार्टिंग में, अब इसको खींच दिया भाई तो गुना कर दिया मतलब इतना और कर दिया इसको, लंबाई क्या होगी 2l, और जब हम इसको खींच देंगे तो जो ये एरिया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जब हम तार को खींचेंगे तो ये पतला हो जाएगा, मतलब एरिया हो जाएगा क्या आधा a/2, एरिया क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो नया प्रतिरोध मान लो नया प्रतिरोध है r डैश रो यो पायो, l कितनी होगी 2 2l और एरिया कितना होगा a/2 हो गया ना आधा हो गया, तो r डैश बराबर है रो ये ऊपर चला गया क्या 2, तो 2 × 2 एल बटे ए, 2 × 4 इसको ऐसे लिखेंगे 4 रो एल बटे ए आर डैश ये हो गया। अब इसका मान रो एल बटे किसके बराबर है आर के बराबर, तो यहाँ आर रख सकते हैं हम, आर डैश बराबर है 4 आर, मतलब क्या जो नया प्रतिरोध है वो पहले प्रतिरोध का कितना होगा 4 गुना, और पहला प्रतिरोध कितना था 20 ओम, तो नया कितना होगा आर डैश बराबर है 4 × 20 मतलब 80 ओम नया प्रतिरोध हो जाएगा। बात समझ में आएगी। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल किसके ऊपर थे भाई, ये प्रतिरोध के ऊपर थे, ठीक है इनमें से प्रश्न आता ही आता है पेपर में। अब हम शुरू करते हैं प्रतिरोधकों का संयोजन, ये टॉपिक शुरू करते हैं हम प्रतिरोधकों का संयोजन। देखो प्रतिरोध क्या होते हैं, प्रतिरोध ऐसी चीज होती है जो विद्युत धारा का मान घटा या बढ़ा सकते हैं, मतलब अगर प्रतिरोध अधिक होगा तो विद्युत धारा कम हो जाती है, अगर प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत धारा बढ़ जाती है, और जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज होते हैं जो घरों में यूज होते हैं जैसे टीवी होता है फ्रिज होता है या फिर रेडियो ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं, उनमें ऐसी बहुत सारी उपकरण उसमें लगे होते हैं जिनमें करंट की मात्रा मतलब विद्युत धारा की मात्रा हमें अलग अलग चाहिए, कहीं पे ज़्यादा चाहिए कहीं पे कम चाहिए, इसलिए हमें प्रतिरोधकों को अलग अलग तरीके से प्रयोग करना पड़ता है, कहीं पे अधिक प्रतिरोध का प्रयोग करना पड़ेगा कहीं पे कम करना पड़ेगा, क्यों डिजायर जो हमें विद्युत धारा चाहिए उसमें पहुँचाने के लिए उसके लिए हमें हमें डिजायर प्रतिरोध जितना हमें चाहिए वो बनाना पड़ता है। बनाना कैसे पड़ेगा, हमारे पास प्रतिरोधक होते हैं अलग अलग, अब उन प्रतिरोधकों को जोड़ा जाएगा, किस तरीके से जोड़ा जाएगा वही हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रतिरोधों को दो तरीके से जोड़ा जाता है भाई, एक होता है श्रेणीक्रम, क्या बोला जाता है श्रेणीक्रम, और एक होता है भाई पार्श्व क्रम, ठीक है ये दो तरीके से जोड़ा जाएगा। अब श्रेणीक्रम में क्या होता है, जैसे एक प्रतिरोध ये है, अगर एक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के अगले सिरे से जोड़ दें
ऐसे, ये R है R1, ये R2, अगला प्रतिरोध है ये मैं प्रतिरोध को दिखा रहा हूं इससे, ये R3 है। अगर ऐसे जुड़े हुए हैं एंड टू एंड, एक सिरे से अगला सिरा, इसको बोला जाता है श्रेणी क्रम, ठीक। और अगर प्रतिरोधकों के दोनों सिरों को, जैसे एक प्रतिरोधक है, ये प्रतिरोधक है और ये भी प्रतिरोधक है और ये भी प्रतिरोधक है, अगर इन इनके दोनों सिरों को एक जगह जोड़ दिया जाए, जैसे ये जोड़ दिया, इनको इनको ऐसे जोड़ दिया, तो इस संयोजन को बोला जाता है पार्श्व क्रम। क्या बोला जाएगा? पार्श्व क्रम। तो ये है श्रेणी क्रम और ये है पार्श्व क्रम, ठीक है भाई। अब हम ये पढ़ेंगे कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का कुल मान कितना होगा, मतलब इनको अगर हम ऐसे जोड़ दे तो कुल मान कितना आएगा, और अगर पार्श्व क्रम में जोड़ दे तो कुल मान कितना आएगा। देखो, जो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं प्रतिरोधक, तो उनका कुल मान आता है, जैसे सीधा जोड़ दो, बस न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी दी गई है उनको सीधा जोड़ दो। जैसे कुल प्रतिरोध, मान लो इसमें कुल प्रतिरोध R है, तो मान लिया इनका कुल प्रतिरोध कितना है R, तो R बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किस में होगा? ये श्रेणी क्रम में आएगा। अगर हम पार्श्व क्रम में देखें तो पार्श्व क्रम में मान लो इनका कुल प्रतिरोध ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो पार्श्व क्रम में कुल प्रतिरोध क्या आएगा, 1/R, R क्या कुल प्रतिरोध, बटे बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तो मान आएगा पार्श्व क्रम में और ये मान आएगा श्रेणी क्रम में, ठीक है भाई, बात समझ में आएगी। अब हम ये एक्सप्लेन करेंगे, मतलब ये निकालना है कि ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का कुल मान इतना आता है और पार्श्व क्रम में इतना आता है। तो हमारे पास सबसे पहले हम शुरू करते हैं किसमें, श्रेणी क्रम में। मान लो हमारे पास तीन प्रतिरोधक है, ये तीन प्रतिरोधक है और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। अब इनमें इनको जोड़ दिया भाई हमने बैटरी से, ये बैटरी ये जोड़ दिया, इस बैटरी की वोल्टेज मतलब ये अंतर है V और इसमें विद्युत धारा है I, बात समझ में आएगी। अब हमें पता है कि इन सब में, क्योंकि श्रेणी क्रम में और कोई रास्ता तो है नहीं कि इस विद्युत धारा को जाने के लिए और कोई रास्ता तो नहीं है, अगर हम इस चीज को सिद्ध करेंगे तो हमें ये लिखना पड़ेगा, जैसे थ्योरम को सिद्ध करते हैं ना, तो वैसे ही सिद्ध करने के लिए इसमें लिखना पड़ता है कि हम एक परिपथ बनाएंगे जिसमें तीन प्रतिरोधक R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और उनको फिर हम एक बैटरी जिसका विभवांतर V है उसके साथ जोड़ दिया गया है। मान लिया परिपथ में कुल विद्युत धारा है I, ठीक, तो I विद्युत धारा है कुल। अब इस विद्युत धारा के लिए और कोई रास्ता नहीं है, मतलब इन सभी प्रतिरोधकों में समान विद्युत धारा जाएगी, मतलब इसमें भी विद्युत धारा I है और इसमें भी I है और इसमें भी I है सभी में। अब लेकिन इसके इसमें जो विभवांतर होगा, मतलब इस एक प्रतिरोधक में अगर देखें तो इसका जो विभवांतर है वो अलग होगा, अलग होगा भाई, क्यों? क्योंकि प्रतिरोधक अलग है, प्रतिरोध अलग है तो विभवांतर अलग। मान लीजिए इसका विभवांतर V1 और इसका विभवांतर भाई जोड़ के देखा तो V2 है, इसका जोड़ के देखा तो V3 है, ठीक है। हमने वोल्ट मीटर को जोड़ के देख लिया कि भाई इस प्रतिरोधक का विभवांतर कितना है, इस प्रतिरोधक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना है, तो V1, V2, V3, लेकिन इस पूरे परिपथ का विभवांतर तो V है, क्योंकि इनके पास कोई अलग सी विभवांतर तो आने से रहा, वो जाएगा किससे जाएगा, जाएगा तो बैटरी से ही, तो बैटरी का कुल क्या है, तो बैटरी का क्या है, V, कुल प्रतिरोध V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3, ये समीकरण नंबर एक है, मान लेते हैं, ठीक है। अब विद्युत धारा तो सभी में समान है, लेकिन हमें एक और पता है ओम के लॉ से, ओम्स
लॉ, क्या कहता है ओम्स लॉ कि V बराबर है आई आर, ये होता है ना V बराबर है आई आर। तो ये समीकरण, ये समझ लो समीकरण दो की है, इसको छोड़ो दो नजर डालो इसको वैसे रखो। अब प्रतिरोधक एक के लिए देखो, ये जो एक प्रतिरोधक है इसमें विद्युत धारा है आई, सभी में प्रतिरोध विद्युत धारा तो आई ही है। तो इस एक प्रतिरोध के ऊपर अगर हम ओम्स लॉ लागू करें तो यहाँ पे वी वन बराबर क्या होगा, वी वन, वी वन मतलब एक पहले प्रतिरोधक के लिए क्या आएगा, वी वन बराबर है आई आर वन, ठीक है। वी टू बराबर क्या होगा, आई आर टू, इसके लिए क्या होगा, वी थ्री बराबर होगा आई आर थ्री, बात समझ में आ गई। अब चलो इसको मान ही ले, समीकरण दो तीन चार और पांच। अब समीकरण दो तीन चार पांच का मान समीकरण एक में रख दो, देखो v बराबर आई आर, तो यहाँ v की जगह ये वैल्यू पुट करो आई आर, तो हमारे पास क्या आएगा आई आर बराबर v1 का मान आई आर वन प्लस v2 का मान आई आर टू प्लस v3 का मान आई आर थ्री है। आई सभी में कॉमन है तो आई आई आर बराबर आई बाहर निकल गया, अंदर क्या रह गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई से आई कट जाएगा, आगे तरह गया आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इसका मतलब क्या है कि श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध है वो कितना होता है, वो होता है आर बराबर है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये तो तीन प्रतिरोधक है, इससे ज्यादा जितने भी जुड़े होंगे बस उनको सीधा जोड़ दो, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध आ जाएगा। ये था भाई क्या, ये मतलब ये बताया गया है, ये एक्सप्लेन किया गया है कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध इतना आता है, ठीक है भाई। अब देखते हैं कि क्या पार्श्व क्रम में कुल प्रतिरोध इतना आता है। अगर पार्श्व क्रम में निकालना है तो हमें तीन प्रतिरोध पार्श्व क्रम में चाहिए। तो मान लो तुम्हारे पास एक है ये प्रतिरोध, एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध ये है, इनको हमने जोड़ दिया किसमें, पार्श्व क्रम में, क्योंकि पार्श्व क्रम में जोड़ना पड़ेगा क्योंकि निकाल ही हम पार्श्व क्रम में रहे हैं। अब इनको बैटरी से भी जोड़ना पड़ेगा, ये जोड़ दिया तो लिखना पड़ेगा फिर अगर पेपर में आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि पार्श्व क्रम में कुल प्रतिरोध एक बटे आर बराबर एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री होता है, ये सिद्ध कीजिए, तो आपको ये परिपथ बनाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा उसमें कि हम तीन प्रतिरोधक जिनका मान आर वन आर टू और आर थ्री है उनको पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं और फिर एक बैटरी जिसका विभवांतर वी वोल्ट है उसके साथ संयोजित कर देते हैं। परिपथ में कुल विद्युत धारा का मान है आई, लेकिन देखो जब ये जाएगा आई तो इसको तीन रास्ते मिल जाएंगे यहां जाने के, तो इसमें विद्युत धारा अलग आएगी, मान लो इसमें आई आई वन, इसमें आई आई टू और इसमें आई आई थ्री, लेकिन ये तीनों का एक दो इन तीनों का सिरा यहां जुड़ा हुआ है, मतलब तीनों के पास विभवांतर समान जाएगा, जो विभवांतर इसके पास है वही इसके पास है, इन सभी का विभवांतर समान है, बात समझ में आएगी, ठीक है। तो देखो ये अब इस परिपथ से लिखना ही पड़ेगा, ये जैसे हम सिद्ध करते हैं तो सिद्ध करने में लिखना पड़ता है, तो अब इस परिपथ में आई क्या है, कुल विद्युत धारा है, तो कुल विद्युत धारा आई बराबर है, तो आई बराबर क्या आएगा, अभी आई बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3, ये आ जाएगा किसका, ये तो समीकरण नंबर है एक, ठीक है, ये तो पता ही चल रहा है कि कुल विद्युत धारा I है और याद देना कि इन I1 I2 I3 में डिवाइड होगी, लेकिन I कुल किसके बराबर, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। अब हमें पता है किसके ओम्स के लॉ से कि I बराबर होता है V बटे R, समीकरण नंबर दो लिखना पड़ेगा भैया, फ्रॉम्स ओम्स लॉ,
फ्रॉम ओम्स लॉ कि I बराबर है V बटे R। अब इस प्रतिरोध के लिए हम ओम्स लॉ लगाते हैं, ये भी लिखना पड़ेगा कि प्रतिरोधक R1 के लिए हम लगाते हैं ओम्स लॉ। अब इसमें V V1 अंतर तो वही है, सभी में समान है V1 अंतर, तो V बराबर है I1 R1, ये हो गया। I1 का मान निकालो यहां से, I1 क्या हो गया V बटे R1, समीकरण नंबर होगी भैया तीन। ऐसे ही I2 क्या आ जाएगा V बटे R2, समीकरण नंबर चार। ऐसे ही I3 बराबर है V बटे R3, समीकरण नंबर पांच। फिर लिखो, क्या लिखो, समीकरण नंबर दो तीन चार और पांच का मान समीकरण नंबर एक में रख दो। समीकरण नंबर एक में ये एक है, यहां I का मान रखो पहले, तो I की जगह V बटे R, तो V बटे R ये रख दिया, किसका I का मान V बटे यहां रखना समीकरण नंबर एक में V बटे R कह दे रहा होगा ना, तो V बटे R। I1 जो है I1 का आ गया ये रहा V बटे R1 प्लस I2 का मान देखो, I2 का मान का है ये रहा V बटे R2 और I3 का मान ये रहा V बटे R3। V सभी में कॉमन है, V बटे यहां लिख लो V बटे R बराबर है, इन सब में V कॉमन है तो V बाहर आ जाएगा, अंदर क्या लगेगा एक बटे R1 प्लस एक बटे R2 प्लस एक बटे R3, और V से V कट जाएगा तो एक बटे R बराबर एक बटे R1 प्लस एक बटे R2 प्लस एक बटे R3, ठीक है। ये हो गया कुल प्रतिरोध इसमें पार्श्व क्रम में, ठीक है, बात समझ में आएगी। अब ये तो समझ में आ गया भाई, लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है वो याद रखना, क्या कि श्रेणी क्रम में मान लो प्रतिरोधक जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, ऐसे ये जुड़ा, इसका मान है मान लो 10, इसका मान 20, इसका मान 30 है, तो श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधक जुड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध का मान सबसे अधिक प्रतिरोधक से भी अधिक आता है। जैसे इसमें सबसे अधिक प्रतिरोधक कौन सा है, 30 है, तो इनके कुल प्रतिरोध का मान इससे भी ज्यादा आएगा, क्योंकि सीधी सी बात हमें पता है इनको जोड़ना ही है 10 प्लस 20 प्लस 30 ऐसे जोड़ना ही है, तो कितना आ गया 60, तो 60 क्या 30 से ज्यादा है, तो जो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं प्रतिरोधक उनमें कुल प्रतिरोध का मान सबसे ज्यादा वाले प्रतिरोधक से भी अधिक आता है। लेकिन जब प्रतिरोधक जुड़े होते हैं किसमें, पार्श्व क्रम में, तो पार्श्व क्रम में प्रतिरोध का मान, कुल प्रतिरोध का मान वो, जैसे मैं कहूं कि भाई ये प्रतिरोधक है एक, एक ये है और एक ये है, अगर इनको तीनों को जोड़ दिया किसमें, पार्श्व क्रम में, तो पार्श्व क्रम में जो सबसे छोटा प्रतिरोधक होगा उससे भी कम मान आएगा कुल प्रतिरोध का। जैसे मान लो इसका दो है, इसका चार है, इसका छह है, तो इनका कुल प्रतिरोध कितना आया, एक बटे आर बराबर एक बटे आर वन, आर वन का मान क्या दो पल एक बटे चार प्लस एक बटे छह, ये हो गया। इनका एलसीएम निकालो तो कितना हो गया 12, दो छिके 12 और चार तीन 12, छह दूनी 12, या छह तीन और दो 11, 11 बटे 12 आ गया बराबर है एक बटे आर, और आर कितना आएगा, आर आ जाएगा 12 बटे 11। अब 12 बटे 11 लगभग एक पॉइंट कुछ आएगा, एक पॉइंट कुछ, और एक पॉइंट कुछ कुल प्रतिरोध आया किसका, सभी को मिला के किसमें, पार्श्व क्रम में, और सबसे छोटा कितना है दो है, तो मतलब दो से भी कम आया। तो कहने का मतलब क्या है, जब प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है तो जो कुल प्रतिरोध आता है वो सबसे छोटे प्रतिरोधक से भी कम आता है, और जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध का मान उस प्रतिरोधक से भी ज्यादा आता है जिसका मान सबसे अधिक होता है, ठीक है भाई, बात याद रखनी, ठीक है, तो ये बात याद रखना। एक और मैं बता देता हूं कि अगर श्रेणी क्रम में सारे के सारे प्रतिरोधक समान है, जैसे यहां सभी में पांच पांच और पांच ऐसे होता, तो इनका कुल प्रतिरोध वो आएगा एन आर,
एन आर का मतलब क्या होता है, एन होता है संख्या कितने जुड़े हैं और आर मतलब एक प्रतिरोधक का मान, जैसे एक का मान कितना 5 और एन 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 मतलब 3 है तो एक का मान कितना 5 5 ये 15 आ जाएगा, समझ गए। और अगर यही चीज किसमें हो, पार्श्व क्रम में है तो पार्श्व क्रम में कितना आएगा, वो आएगा आर बटे एन। तो एक प्रतिरोध का मान कितना है, अगर सारे के सारे प्रतिरोधक समान है, मतलब की बात बता रहा हूँ याद रखना ये बात, प्रतिरोधक समान होने चाहिए, अगर सारे श्रेणी क्रम में समान है तो कुल प्रतिरोध एन आर आ जाएगा, एन मतलब कुल कितने जुड़े हैं और आर मतलब एक का मान कितना है वो आ जाएगा। और पार्श्व क्रम में आएगा आर बटे एन, आर मतलब एक का मान, एक का मान कितना, जैसे 5 था तो 5 बटे एन मतलब कितने 3, तो ये आ जाएगा कुल प्रतिरोध किसमें, पार्श्व क्रम में। ये कब लागू होगा, ये उस समय लागू होगा जब सारे के सारे प्रतिरोधक समान होंगे, ठीक है, एक में एन आर एक में आर बटे एन। तो ये था भाई प्रतिरोधकों का संयोजन, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए भी इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।